दोस्तों नील नदी के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, क्योंकि जब भी हम भूगोल या प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं तो हम सागर, महासागर, द्वीप, नदियाँ और अन्य कई चीजों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। हमें इनके बारे में जानने की हर तरह की उत्सुकता होती है। अफ्रीका महाद्वीप के 11 देशों में फैली हुई ये एक ऐसी नदी है जिसका नाम आते ही मन में एक अद्भुत रहस्य से भरी हुई जिज्ञासा का तूफान सा उठने लगता है। प्राचीन इतिहास की सबसे रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक इसी नदी के किनारे बसी थी, जिसके निशान हजारों साल बीत जाने के बावजूद आज भी दुनिया को आश्चर्य में डालते हैं। दुनिया की सबसे लंबी और उत्तरी अफ्रीका की जीवन रेखा कहे जाने वाली यह है नील नदी। दोस्तों संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जिसकी कुल लंबाई 6,650 किलोमीटर है। वहीं नील नदी की चौड़ाई की बात की जाए तो इसकी अधिकतम चौड़ाई 14 किलोमीटर तक होती है, लेकिन कहीं कहीं तो इसकी चौड़ाई 200 मीटर से भी कम हो जाती है। दोस्तों नील नदी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर अफ्रीका के पूर्वी भाग से गुजरती हुई भूमध्य सागर में समा जाती है, लेकिन इस बीच ये लगभग 11 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें मिस्र, सूडान, इथियोपिया और बुरुंडी जैसे देश शामिल हैं। इसके साथ ही आपको बताता चलूं नील नदी की कई सहायक नदियां हैं, जिसमें सफेद नील और नीली नील इसकी मुख्य नदियां हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं नील नदी भूमध्य सागर में मिलने से पहले अपने मुहान पर 170 किलोमीटर लंबी और 240 किलोमीटर चौड़ी विशाल डेल्टा बनाती है। लेकिन दोस्तों नील नदी से जुड़ी एक रोचक बात ये भी है कि मिस्र की प्राचीन सभ्यता का जन्म इसी नदी के घाटी में हुआ है, इसीलिए मिस्र के लोग नील नदी को इतेरू के नाम से पुकारते हैं, जिसका अर्थ होता है एक महान नदी, क्योंकि मिस्र की सभ्यता के विकास में नील नदी की बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे, मिस्र की सभ्यता पूरे संसार की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, इसीलिए नील नदी को मिस्र का बहुत बड़ा वरदान भी कहा जाता है। साथ ही इस नदी ने मिस्र के समाज और जीवन को काफी प्रभावित किया है। ये नदी प्राचीन मिस्र के लोगों को भोजन, परिवहन और घर बनाने के लिए सामान और अन्य कई चीजें उपलब्ध करवाती हैं। शायद आपको पता न हो, प्राचीन मिस्र दो भागों में बटा हुआ था, ऊपरी मिस्र और निचला मिस्र। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दक्षिण के भाग को ऊपरी मिस्र और उत्तर के भाग को निचला मिस्र कहा जाता था, क्योंकि नदी देश के दक्षिण से शुरू होकर उत्तर में खत्म होती थी। सबसे प्रमुख चीज जो नील नदी को प्राचीन मिस्र के लोगों को उपलब्ध करवाती थी वो है उपजाऊ जमीन, क्योंकि मिस्र का ज्यादातर हिस्सा रेतीला है, लेकिन नदी के आसपास के क्षेत्र बहुत उपजाऊ हैं, जिसमें कई तरह की फसलें उगाई जा सकती हैं। हर साल सितंबर के महीने में नील नदी का जल स्तर बढ़ जाता है, जिस वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ आ जाती है। भले ही शुरू में बाढ़ कुछ नुकसान करती है, पर इसकी वजह से काली उपजाऊ मिट्टी की नई परत बैठ जाती है, जो फसलों की पैदावार को काफी बढ़ा देती है। यही कारण है कि प्राचीन मिस्र के लोग बाढ़ से आई इस मिट्टी को नील नदी का तोहफा कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चलिए तो आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।